आज 5 दिसंबर श्री अरविंद का समाधि का दिन है और श्री माँ कहती थी कि ये दिन हमें श्री अरविंद के बारे में और अपने जीवन और अपने लक्ष्य के बारे में सोचने के लिए है। तो मैं वही करना चाहूँगा आज। हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य और हमारा श्री अरविंद और श्री माँ के साथ संबंध, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान करें। श्री अरविंद और श्री माँ कौन थे? हम कहते हैं महायोगी, क्रांतिकारक, अवतार, पर इन्हें क्या? और हमारे लिए, हमारे हृदय में उनके तरफ क्या है? श्री अरविंद जब बहुत छोटे थे तब उनको आगे आने वाले का भविष्य दिखता था, श्री माँ को भी, और वे जानते थे कि उनको बहुत बड़ा काम करना था उसमें। और जैसे उनको धीरे धीरे क्रांतिकारक रूप में भारत के लिए काम बढ़ते गया, उसी के साथ उनका आध्यात्मिक जीवन भी बढ़ते गया। और एक ऐसे समय आया जब उनको दिखाया गया कि अभी क्रांतिकारक रूप जो था वो दूसरे लोग करेंगे और आध्यात्मिक काम उनको जो करना था वो उनको पूरी तरह से करना पड़ेगा। और उसी समय श्री माँ उनके पास आई और श्री अरविंद कहते हैं श्री माँ भी उन्हीं के दिशा में, वही दिशा में, वही इंटेग्रल योगा जिसको कहते हैं, उसकी दिशा में उनकी एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे थे। और जब वे एक साथ आए तब श्रीमान ने तुरंत उनको पहचाना कि यही थे वो योगी जो मेरे बचपन में, मैं जब सोती थी तब सूक्ष्म जगत में मुझे मिलते थे और मुझे बहुत कुछ सिखाते थे। और उन्हें पता चला कि उनका जीवन यही है श्री अरविंद के साथ। वे जब पहले श्री अरविंद से मिले, उनके हृदय से पूरी तरह उनका आत्मसमर्पण हुआ श्री अरविंद के तरफ। और उसके बाद उनका कभी भी अन्य रूप से चेतना कभी नहीं रही, वे जुड़ गई पूरी तरह से श्री अरविंद से। श्री अरविंद को जब पूछा गया आपने क्या एक्सपीरियंस किया जब माताजी को मिले तब, तो उन्होंने कहा पहली बार मेरे जीवन में मैंने देखा कि इस तरह से पूरा आत्मसमर्पण हो सकता है, अपने पूरे शरीर के सेल्स तक पूरा आत्मसमर्पण, ये संबंध संभव है ये मैं जानता नहीं था। माताजी कहती है कि उन दिनों वे बैठती थी श्री अरविंद के पास, दूसरे लोग वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे, पर वे जब बैठती थी तब धीरे धीरे श्री अरविंद उनको सब पूरे सबसे ऊंचे आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस दे रहे थे। और एक समय उनके अंदर जो भी था साइलेंट माइंड उनको दिया गया, ऐसे कई एक्सपीरियंसेस एक के बाद एक बढ़ते गए। पर दूसरे लोग जो थे श्री अरविंद के साथ या श्री अरविंद को मिलने आते थे, वे जानते नहीं थे श्री माँ कौन है। बहुत बरसों के बाद जब श्री माँ वापस आई जापान से, उस समय श्री अरविंद ने धीरे धीरे लोगों को कहना शुरू किया ये कौन है। मुझे अभी भी याद है कई लोग जो आश्रम में साधक थे उन दिनों, अभी उनका देहांत हुआ है,
उन्होंने हमें कई छोटी छोटी ऐसी कहानियाँ सुनाई थी और इनमें से कई कहानियाँ मैं आपको आज सुनाना चाहूँगा। एक थी स्वर्णादि। माताजी के यहाँ ऊपर माताजी के कमरे में काम करती थी और एक दिन उन्होंने मुझे कहा, मैं तुम्हें कुछ सुनाने चाहती हूँ। तो मैंने उनसे टाइम लिया और मैं गया मिलने, और शायद मैंने रिकॉर्ड भी किया होगा। उन्होंने कहा वे श्री अरविंद से मिलने के पहले कलकत्ता में थी। उस समय श्री अरविंद के साथ पत्र से व्यवहार होता था और श्री अरविंद से जब पत्र आता था, वो पत्र हाथ में आते ही उनको बहुत आनंद होता था और एक शांति उनके चेतना में आती थी। वही लेके और जो भी श्री अरविंद ने लिखा है उसको प्रैक्टिस करके वो ध्यान में रहती थी। उनका छोटा बच्चा था, वो क्या बोलते हैं, छोटी जिसमें सुलाते हैं और हिलाते हैं ना, पलना, पलना, उसमें झूला में बच्चा रखा था और झूला से एक रस्सी थी हिलाने के लिए। तो बच्चे के साथ बैठी है, हिला रही है और उसी स्थिति में वो ध्यान में जाती थी श्री अरविंद के नाम लेके। और एक दिन ऐसे हुआ कि ध्यान में उनको धीरे धीरे श्री अरविंद जो एक्सपीरियंस देते थे वो खुल रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा पूरे शरीर में सूक्ष्म देह, उसके अंदर ये दिया जैसे लाइट सब जगह, जो जहाँ जिसको हम चक्र कहते हैं, अपने शरीर में उसको दिखने लगे। और ये जनाड़ी होती है सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, ये सब जो सिखाया जाता था, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं था ये सब, पर अपने अंदर स्वयं दिखने लगा। और उन्होंने शेरविंद को पत्र लिखा कि ऐसे मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। शेरविंद का पत्र आ रहा था। फिर एक दिन ऐसे ध्यान में जब वे गई, तब शेरविंद ने उनका हाथ पकड़ के उनको ऊपर खींचा और वो कहती है सूक्ष्म देह में वो बाहर निकली और शेरविंद अपने सूक्ष्म देह से आए थे और उनका हाथ पकड़ के बहुत तेज से उड़ते हुए ले गए कहीं, और एक ऐसी जगह आई जहाँ एक घर था उनको दिख रहा था ऊपर से, और वो घर के टेरेस पे उतरे दोनों। श्री अरविंद ने उनको अंदर लिया। अंदर एक बहुत सुंदर एक औरत थी और श्री अरविंद ने स्वर्णादि को कहा अभी तुम इन्हें प्रणाम करो। तो सूक्ष्म देह में ही उन्होंने प्रणाम किया। फिर श्री अरविंद ने कहा अभी आज से वे तुम्हारी साधना देखेगी। उन दिनों स्वर्णादि श्री अरविंद से मिली नहीं थी शरीर में, पत्र से ही जानती थी, पर उनको वो याद रहा। और जब पहली बार वे पांडिचेरी आई तब वे गई थी कहीं और किसी ने उनको बोला अरे ये घर है, आज आर्काइव्स है आश्रम का, वहाँ श्रीमा रहती थी एक समय। तो उसके अंदर ले गई, अंदर देखते ही उन्होंने बोला अरे यही तो कमरा था जहाँ मुझे लाया गया। और उनको याद आया कि यही कमरा, यही मैं वो औरत को मिली थी। और वो कौन है औरत, फिर उनको पता चला वो श्रीमा थी, स्वयं श्रीमा वहीं रहती थी उन दिनों। तो ऐसे श्री अरविंद ने उनको सूक्ष्म देह में ही माताजी से जुड़ा दिया। ऐसे कई बहुत सुंदर कहानियाँ हैं जो लोग पहली बार उन दिनों आश्रम आए थे, जो माताजी को जानते भी नहीं थे, उनको कैसे श्री अरविंद ने धीरे धीरे माताजी की तरफ पूरे साधन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। 1926 में जो हुआ आप जानते हैं, श्री कृष्ण श्री अरविंद के शरीर में उतरे और उस समय श्री अरविंद ने सब लोगों को बुलाया और श्री माँ को सामने खड़ा किया। और उसके बाद पूरे आश्रम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, साधन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो श्री माँ के हाथ में दी।
उन दिनों श्री माँ स्वयं हर साधक को मिलती थी दिन में, और सुबह को वहाँ जो ओल्ड बैल्कनी है वहाँ खड़ी रह के दर्शन देती थी। सब साधक नीचे खड़े होते थे और श्री माँ ने उन दिनों एक महान शक्ति अपने द्वारा उन लोगों पे एस्टैब्लिश की, ताकि आश्रम का काम जो करते थे वो उस शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा किया जाए। तो लोगों को पता नहीं, वो बहुत काम करते थे, बहुत आसानी से करते थे, युवा है पहप इसलिए शायद उनको लगा, पर वो माताजी की शक्ति वो उनमें भरती थी। ऐसे कई छोटे छोटे दर्शन होने लगे। फिर माताजी उन दिनों वेजिटेबल्स जो आते थे आश्रम गार्डन से, उनको सामने रख के माताजी स्वयं आके देखती थी। अभी आपको लगेगा ये वेजिटेबल्स जो गार्डन से लाए हैं तो देखने की क्या ज़रूरत है, पर माताजी काम कर रही थी कि प्रकृति के द्वारा आश्रम के गार्डन में कैसे ज़्यादा वेजिटेबल्स बढ़ सके और उनमें वो शक्ति, उनकी आध्यात्मिक शक्ति डाल सके, ताकि वही वेजिटेबल जब साधक खाएंगे तब वो शक्ति उनके शरीर में जाएगी। तो वो उसको कहते थे वेजिटेबल दर्शन। सब वेजिटेबल्स नीचे रखते थे, माताजी नीचे आके देखती थी और फिर वापस जाती थी। ऐसे कई छोटे छोटे कामों में माताजी स्वयं आके देख के समझती थी। और शाम को कभी कभी जब ध्यान के लिए लोग आते थे, कभी कभी देरी होती थी क्योंकि उनको बहुत लोगों को मिलना था। एक बार श्री अरविंद को किसी साधक ने पूछा कि माताजी तो बहुत बिजी हैं, पर ऐसे कहा जाता है कि माताजी बहुत हंड्रेड्स ऑफ लोगों को मिल रही है, पर इतने तो मुझे लोग दिखते नहीं, कैसे आप कह सकते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ लोग मिलते हैं। तो श्री अरविंद ने उनको चिट्ठी में लिखा कि माताजी खाली शारीरिक रूप से मिलती नहीं, सूक्ष्म देह में भी मिलती है लोगों को। तो आप जो देख रहे हैं वो खाली शारीरिक रूप से जो लोग आते हैं उनको देख रहे हैं, पर सूक्ष्म देह में भी वो बहुत लोगों को मिलती है और बहुत काम चल रहा है उसी समय। अभी आप समझिए, एक लेवल है शारीरिक, जब माताजी किसी से मिल रही है वो बात कर रहे हैं, और दूसरे लेवल सूक्ष्म देह पे दूसरे लोग आ रहे हैं और उनसे मिल रही है। और वही एक समय को दो तीन लेवल्स पे ऐसे लोगों को मिल रही है, वैसे उनका काम चलता था। तो कई छोटे ऐसे कहानियाँ हैं इसके बारे में भी। मेरे जो पंडित जी, माधव पंडित जी आप जानते हैं, माता जी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने हमें कई बार ये कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब लोग माता जी को पैसे का बहुत प्रॉब्लम था, और जब लोग माता जी को पैसे भेजते थे तब माता जी ने कहा मैं स्वयं हर मनी ऑर्डर की साइन करूँगी। अभी माता जी को उतने समय डालने की क्या ज़रूरत, वो कोई कर सकता है, पैसे लेके साइन करके भिजवा सकता है। पर माता जी ने कहा नहीं, मैं स्वयं करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि वो मनी ऑर्डर के द्वारा जिन्होंने पैसे दिए उनकी चेतना से जुड़ के उनको अपनी शक्ति देती थी। और कभी कभी पंडित जी कहते थे माता जी साइन कर रही है और साइन करते ही बीच में रुक जाती थी और एक ध्यान में घुसती है, ट्रांस स्थिति में, समाधि स्थिति में, और थोड़े समय के बाद फिर आँख खोल के वापस जो काम चल रहा था वो करती थी। कभी कभी वो ऐसे कहती थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो कभी वो ऐसे कहती थी ग्रीस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वहाँ किसी ने मुझे पुकारा, इटली में प्रॉब्लम था, वहाँ किसी ने पुकारा। और उस समय उनकी सूक्ष्म देह, सूक्ष्म चेतना से वहाँ जाके उनको हेल्प करके वापस आती थी। श्री अरविंद ने एक पत्र में लिखा कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ इतने सारे लोगों की पुकार आ रहे थे कि माताजी के ऊपर, माताजी ने कहा मेरे माथे के ऊपर एक टेलीफोन एक्सचेंज जैसा है, हजारों लोगों की पुकार जो आती है वो
हर पुकार को मैं रिस्पॉन्स देती हूँ, पर कभी कभी पुकार ऐसी होती है कि खाली रिस्पॉन्स नहीं, खाली शक्ति नहीं, उनको स्वयं जाके कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत घटना बहुत डेंजरस है। उस समय उनको शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर में जाके वहाँ कुछ तो करना पड़ता था। ऐसे हमारे आश्रम के जो इंजीनियरिंग सेक्शन के हेड थे विश्वनाथ दा, उन्होंने हमें ये कहा, वो उन दिनों छोटे बच्चे थे और वो रिकॉर्डर, माताजी की टेप रिकॉर्डर ऑपरेट करते थे, जो हमारे रिकॉर्डिंग्स हैं माताजी के उन्होंने उस समय किए थे। और उन्होंने कहा, एक बार माताजी ऐसे प्लेग्राउंड में लेक्चर दे रही थी, क्लास ले रही थी बच्चों के साथ, और क्लास के बीच में ही वो कुछ कह रही थी, बोलते बोलते उनके शब्द रुक गए आधे सेंटेंस में, माथा नीचे गया और वो एक गूढ़ समाधि में चली गई। 20 मिनट, पूरे 20 मिनट वो समाधि स्थिति में थी, ट्रांस में। और उस समय जो माताजी बैठी थी चेयर पे, शरीर उनका कांपने लगा बीच बीच में, ऐसे ऐसे शिवरिंग होता था। 20 मिनट वैसे शिवरिंग होके फिर रुका, और फिर माताजी ने आँख खोले और जिस शब्द में रुकी थी वही शब्द के बाद कंटिन्यू किया बोलना, एज इफ कुछ नहीं हुआ है। और वो क्लास खत्म हुई। क्लास खत्म होने के बाद माताजी ने कहा, शायद आपने देखा होगा कि बीच में मैं रुक गई और मैं समाधि स्थिति में गई, क्योंकि हिमालय में एक योगी था जिसको बहुत डेंजरस स्थिति में गया, शरीर की डेंजर थी उनको, क्या डेंजर उन्होंने कहा नहीं, फिजिकल डेंजर था उनको, और उन्होंने भगवान को पुकारा। तो फिर माताजी कहती है, पर मैं यही हूं ना, तो पुकार मेरे पास आई और मुझे जाके उसे मदद करना पड़ा। और माताजी ने कहा कि वो सूक्ष्म शरीर में वहां गई हिमालय को, वहां उन्होंने सूक्ष्म शरीर को मटेरियलाइज किया, उनको ये कैपेसिटी थी। सूक्ष्म शरीर जब मटेरियलाइज किया तब वहां एक जड़ शरीर है, यहां एक जड़ शरीर है, पर दोनों जुड़े हुए हैं। तो वहां के शरीर में जो ठंडक लग रही है वो इस शरीर में भी आती है, इसलिए उनका शरीर कांप रहा था। और वो काम करके योगी का जो प्रॉब्लम था उसको बचा के फिर माताजी ने फिर अपने शरीर सूक्ष्म स्थिति में लेके वापस आई। इस तरह के बहुत सारी कहानियां हैं उनकी, जो अकल्ट एक्शन हुई, अकल्ट इंटरवेंशन हुई, छोटी छोटी बातों में कभी कभी और कभी कभी बड़ी बातों में। आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बहुत उनको काम करना पड़ा, श्री अरविंद को भी, श्री माँ को भी। और श्री माँ ने कहा कि उनके साधन में एक ऐसी स्थिति आई थी 1938 में कि सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन वहीं होने वाला था। उस स्थिति में जो आसुरी शक्तियाँ थी उन्होंने इसको ब्लॉक करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब श्री अरविंद और श्रीमान ने अपनी पूरी शक्ति और एफर्ट उसके लिए डालनी पड़ी। और उसी समय थोड़े बरस में ही बहुत सारे लोग रेफ्यूजी होके आए, तो आश्रम का जो काम था, आश्रम का रूप था, वो पूरा बदल गया। और फिर सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन भी डिले हो गया। पर उन दिनों माताजी ने कहा, बहुत कुछ उनका चल रहा था हर दिन के, हर समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। श्री अरविंद, ऐसे कहा जाता है कि श्री अरविंद कई बार वो इवनिंग टॉक्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्या स्थिति है वो डिटेल में कह रहे थे, क्या स्ट्रेटजी है वो डिटेल में कह रहे थे, और वही चीज़ बाद में न्यूज़पेपर में आती थी। कई बार ऐसे कहा गया कि श्री अरविंद ने श्री माँ को अगले दिन जो होने वाला है
उसके बारे में बातचीत की। और उन दिनों इंग्लैंड के साइड से विंस्टन चर्चिल थे प्राइम मिनिस्टर, जिनके बारे में माताजी ने कहा कि बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट था उनके काम के लिए। विंस्टन चर्चिल लेक्चर करते थे रेडियो पर, और उनके शब्द जो यूज़ कर रहे थे वो श्री अरविंद ने श्री माँ को पहले दिन कहा था, और कई शब्द उन्होंने यूज़ किए हैं जो श्री अरविंद ने स्वयं लिखे हैं उनके आर्टिकल्स में, जो वंदे मातरम और ये कर्मयोगी में उन्होंने लिखे थे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के समय, वही फ्रेजेस ब्लड टॉयल एंड टीयर्स ऐसे उन्होंने यूज़ किए वाले विंस्टन चर्चिल के द्वारा वो शब्द निकलते थे। और जो ट्रूप्स थे बैटल ग्राउंड में वो रेडियो पे चर्चिल के शब्द सुन के उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। चर्चिल स्वयं जानते थे कि यह शक्ति उनको जो आ रही है वो उनकी नहीं है, वो दूसरे कहीं से आ रही है। वैसे दो इंसिडेंट हैं उनके जीवन में, उन्होंने कहा जब वो बैटल ग्राउंड में जाते थे, दूर से एनिमी फायरिंग कर रही है, मशीन गन चल रहे हैं, लोग बॉम्ब कहीं गिर रहे हैं, और लोग आवाज़ सुनते ही छुप जाते थे, और चर्चिल वैसे ही खड़े रह के अपना काम करते थे ओपन एयर में, प्लान्स सामने हैं, बात कर रहे हैं, और सब लोग छुप गए, वो खड़े रह के काम कर रहे हैं। तो लोगों ने उनको बोला, आपको डर नहीं है क्या? तो चर्चिल ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ एक महान शक्ति मुझे प्रोटेक्ट करती है, और जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता मुझे कुछ नहीं हो सकेगा। ये तो माताजी ने हमें कहा है कैसे उनके तरफ से वो प्रोटेक्शन था। दूसरी इंसिडेंट है चर्चिल के जीवन में, वो कार में घुसने वाले थे, और जैसे हमारा ब्रिटिश सिस्टम में और इंडिया में वैसे ही है, ड्राइवर राइट साइड को होता है तो लेफ्ट साइड को नॉर्मली हम बैठते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड रोड की साइड पे आती है। तो ड्राइवर ने लेफ्ट साइड का डोर खोला था, चर्चिल गए दरवाजे तक, बैठने के बदले वो दूसरी साइड गए, राइट साइड अपने आप डोर खोला और वहाँ बैठ गए। ड्राइवर ने सोचा क्या है, ठीक है छोड़ो, बल्कि डोर बंद करके बैठा। फिर ड्राइव करते समय एक बॉम्ब गिरा राइट साइड को ही, और बॉम्ब की एक्सप्लोजन इतने तेज थी कि पूरी गाड़ी ऊपर उठी, और फिर आधी ऊपर उठने पे हवा में उठने के बाद वापस गिर गई, क्योंकि राइट साइड पे ही चर्चिल बैठे थे। और चर्चिल ने कहा, यदि मैं लेफ्ट साइड को होता तो गाड़ी उलट जाती, मैं राइट साइड पे था और मेरा शरीर इतना भारी है इसलिए कार उल्टी नहीं। तो लोगों ने पूछा, अरे आप क्यों उस दिन राइट साइड बैठे? पता नहीं, उन्होंने कहा मैं घुसने वाला था, मुझे ऐसे लगा कि यहाँ नहीं बैठना है वहाँ बैठना। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं वर्ल्ड वॉर में, जब लोगों ने श्री अरविंद और श्रीमा को वहाँ देखा बैटल फील्ड में। एक है पुस्तक जिसका नाम है लॉस्ट फुटस्टेप्स, उसके ऑथर हैं सिल्वियो क्रासियोनास, शायद वो सर्बियन या चेकोस्लोवाकियन, अभी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, पर वैसे ही ईस्ट यूरोपियन कंट्री के वो जनरल थे। उनको नाजी लोगों ने कैप्चर किया था और उनसे पूरे सीक्रेट्स निकालना चाहते थे उनके स्ट्रेटेजी के, वो जनरल लेवल के इन्हें उनको सब कुछ पता था आर्मी का, और वो बोल नहीं पा रहे थे। तो नाजी लोगों ने उनको टॉर्चर करना शुरू किया। तो उन्होंने पुस्तक में लिखा है कैसे पहले एक सप्ताह बहुत कष्ट हुआ उनको, फिर पता नहीं उनको कैसे, वो अपने सॉलिटरी इम्प्रिजनमेंट के रूम में थे, गार्ड्स उनको सोने नहीं देते थे और फिजिकल टॉर्चर कर रहे थे, और सडनली उन्होंने देखा कि वो शरीर के बाहर गए हैं, सामने एक बहुत सुंदर सीनरी है, गंगा के किनारे हैं,
वहाँ एक टेम्पल है, काली का टेम्पल, और एक आदमी बैठे हैं वहाँ, योगी, पद्मासन में, और उसी के साथ, वो सीनरी के साथ उनको बहुत शांति आई। उसके बाद अगले और दो सप्ताह जैसे उनको टॉर्चर कर रहे थे, वो कहते थे मुझे टॉर्चर का फीलिंग ही नहीं आई, मैं इस स्थिति में आ जाता था और ये महान योगी मेरे साथ बैठे थे, वो मुझे कुछ कुछ नया सिखा रहे थे, कुछ बोल रहे थे, और मैं दूर से सुन रहा था कि कोई तो चिल्ला रहा है पेन में, उन्हीं का शरीर टॉर्चर कर रहे थे ना, शरीर चिल्ला रहा है पर उनकी चेतना इस स्थिति में है। ऐसे 2-3 सप्ताह गए, फिर इस योगी ने उनको कहा कि अभी दूसरे साइड से अलाइड ट्रूप्स आने वाले हैं और 2-3 दिन में आपकी छुटकारा हो जाएगी। तो ये जनरल ने, सिल्वियो क्रासियोनास, उन्होंने योगी को कहा, आपने मुझे इतनी मदद की, बहुत धन्यवाद, पर आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? तो योगी ने अपना नाम कहा और वो अपने पुस्तक में उन्होंने वो नाम लिखा है। वो नाम क्या लिखा आप चकित होंगे, ओ आर ओ बी आई एन डी ओ जी ओ एस, ओरोबिंदो घोष, उन्होंने वैसे सुना, ओरोबिंदो घोष, ओरोबिंदो घोष, ये नाम उनको शायद बहुत न्यू है, तो ओरोबिन दोगोस ऐसे उन्होंने लिखा है, और पुस्तक आपको मिलेगी लाइब्रेरी में। दूसरे भी ऐसे कोई थे जिनका नाम जॉन केली, अमेरिकन सोल्जर थे, यूरोप में भेजा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, और वो अपने ट्रूप्स के साथ थे, उनका कैप्टन को गोली लग के मर गए थे, और पूरी ग्रुप ऐसे जा रही थी कहीं, तो ओपन फील्ड था सामने, उन्हें लगा अभी यहाँ से हम एस्केप कर सकेंगे, जर्मन ट्रूप्स कहाँ छुपे हैं पता नहीं, पर यहाँ तो क्लियर है, और वो लोग जाने वाले थे। उसी समय एक दीवार के ऊपर उनको एक पिक्चर दिखा, जैसे फिल्म प्रोजेक्ट करते हैं स्क्रीन पर वहाँ एक चेहरा है, और वो देखते ही उनके हृदय में बहुत शांति आई, और वो चेहरा था, उसने कहा डोंट गो, डेंजर डेंजर। तभी ये जॉन के लिए देख रहा है, दूसरा कोई देख नहीं पाता, वही एक देख रहे हैं ये पिक्चर। उन्होंने कहा सर आप कौन हो? फिर उन्होंने सरा नहीं, सर तो मैं अपने कैप्टन को बोलता हूँ, ये तो बहुत महान आदमी है, कैसे बोलूँ उनको? तो क्या बोले, ग्रेट सर, ग्रेट सर, आप कौन हो? फिर से वो फिगर ने बोला डेंजर डेंजर। तो जॉन केली बोलता है मैं क्या करूं, अपने लोगों को मैंने बोला देखो मुझे लगता है यहाँ बहुत बड़ा खतरा है तो हमें जाना नहीं चाहिए। पर दूसरे ने बोला अरे कोई नहीं है, हम यहीं से एस्केप कर सकते हैं। तो जॉन केली ने कहा ठीक है ऐसे करते हैं, 2 जन को पहले भेजो और यदि वो देखते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है तो हम सब जाएंगे। तो 2 जन को भेजते ही दूसरे साइड से जर्मन लोग फायरिंग करने लगे, वो वेट कर रहे थे इनको ट्रैक करने के लिए। तो अभी ये वापस आ गए, अभी लोग उनको उसको पूछने लगे अच्छा ठीक है तुम्हें पता था डेंजर, अभी बोलो हम यहाँ से कैसे निकले। तो जॉन के लिए देखता है दीवार की तरफ, ग्रेट सर वहीं है। ग्रेट सर कहते हैं वहाँ एक बिल्डिंग दिखती है उसके तरफ जाओ, और एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप ग्रेट सर उनको ले जाते हैं दूसरे बिल्डिंग में। बिल्डिंग में छुपते हैं, जर्मन फायरिंग आती है, फिर ग्रेट सर बोलते हैं अभी वहाँ एक डिच है जल्दी से दौड़ के वहाँ जंप करो। तो एक के बाद एक उसके ट्रूप्स को वो भेज देता है, और हर स्टेप को ग्रेट सर बोलता है नहीं अभी ठहरो अभी फायरिंग आएगी, और फायरिंग आती है।
फायरिंग रुकते ही ग्रेट सर बोलता है अभी जाओ। तो ऐसे करके डिटेल में माइन्यूटली पूरी ग्रुप को उन्होंने बचा दिया। और लास्ट स्टेप को ये ग्रेट सर बोलेंगे अभी तुम भागो जल्दी भागो। और ये बोलता है वो बिल्डिंग से बाहर निकलते ही बिल्डिंग के ऊपर बॉम्ब गिरी और बिल्डिंग टूट गई। अच्छा, उस पॉइंट से कई महीनों के लिए फिर ग्रेट सर उनके सामने आके उनको दिखा रहे थे यार यहाँ नहीं वहाँ डिटेल में। एक पॉइंट था, वो कह रहे थे कि एक ट्रेन उनको मिली, नाज़ी ट्रूप्स की ट्रेन थी, उन्होंने ट्रेन कैप्चर की और दरवाज़ा ताले से बंद था। तो उन्हें सोचा मशीन गन से ताला तोड़ दें, बहुत आसान है। और ग्रेट सर ने बोला नहीं, डेंजर, मशीन गन से नहीं तोड़ो। तो ठीक है, उनको ढूंढ के कोई तो पत्थर लेके ताला तोड़ा, अंदर देखा तो पूरा डायनामाइट से भरा था और यदि मशीन गन यूज़ किया होता तो पूरा एक्सप्लोड करता। ऐसे छोटी छोटी बातों में मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ। तो फिर एक दिन इसको ऐसे लगा, कंसंट्रेशन कैंप्स खुल गए थे, उनको बहुत हृदय में कष्ट हो रहा था और उन्होंने सोचा मैं अभी मरना चाहता हूँ, ये इनफ हो गया है इस जीवन का, इतनी ख़राब लोग ह्यूमन हो सकते हैं। तो उसने अपने पहले स्नान किया, अपने अच्छे कपड़े डाले, अपने मेडल्स लगाए, मरने वाले हो तो अच्छी तरह से मरना है ना। फिर लेट गया और बोला अभी मुझे मरना है। और उस समय ग्रेट सर फिर सामने आए, हाथ पकड़ा, शरीर के बाहर खींचा और ये बोलता है मैं ऊपर उड़ रहा था, मेरा शरीर नीचे सोया हुआ देख रहा हूँ, लेटा हुआ देख रहा हूँ। मैंने सोचा अरे वाह, मैं तो अभी मर रहा हूँ। पर ग्रेट सर ने हाथ पकड़ के बहुत दूर दूर उसको उड़ते उड़ते ले गया और फिर ऊपर से उसने देखा एक छोटी टाउनशिप है, घर सब शुभ्र कलर से पेंट हुए हैं, बुगेनविला फ्लावर्स हैं जिसको हम प्रोटेक्शन कहते हैं। और ग्रेट सर उनको एक रूम में ले गए, वहाँ सुंदर औरत थी जिसको इन्होंने पुस्तक में लिखा है हेवन लेडी, तो पुस्तक का नाम ही है ग्रेट सर एंड हेवन लेडी। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर में हेवन लेडी ने उसको कहा जॉन केली को, देखो तुमने हमारे साथ बहुत काम किया है पिछले जन्मों में, ये पहला जन्म नहीं है तुम्हारा और हमारे साथ, और अभी भी तुम्हें बहुत काम करना है, तो तुम्हें वापस जाके, मरने का समय नहीं है, वापस जाके बहुत कुछ काम करना है। तो ये बोल के और भी कुछ कहा गया उसको पूरा याद नहीं, वो वापस आया शरीर में, वापस छोड़ के चले गए। उसने बोला ठीक है अभी काम करना है, देखें क्या करें। और उसी समय वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रहा था, आखिरी बार ग्रेट सर उनके सामने आए और बोला अभी मैं फिर नहीं आऊँगा। तो जॉन केली बोले आपका नाम क्या? मैं जानता हूँ कि आप शरीर में हैं, आप कहाँ हैं? ग्रेट सर बोले इंडिया। इंडिया वो कंट्री, मैं कैसे जाऊं वहां? पर नाम क्या आपका, मैं आपको कैसे ढूंढूंगा? ग्रेट सर ने अपना नाम कहा पर वो सुन नहीं पाया, एक ही शब्द सुना, बेंड बेंड। मैं क्या, मैं बेंड करूं? बेंड करूं क्या बोल रहे हैं आप? आपका नाम क्या है? मैं बेंड करूं? पर ग्रेट सर का तस्वीर चली गई। वॉर ख़त्म हुआ, वो वापस गए न्यूयॉर्क में, कई बरस वहाँ थे। एक दिन कोई मित्र ने उसको एक पुस्तक दिखाई, पुस्तक खोलते ही अंदर एक पिक्चर थी, यही श्री अरविंद के पिक्चर। पुस्तक थी लाइफ डिवाइन और उन्होंने देखते ही कहा यही है ग्रेट सर।
कई बरसों बाद वो पांडिचेरी में आए और वहाँ उन्होंने सब बिल्डिंग्स देखी, यही जगह थी, और माताजी से मिले। माताजी ने उनको बहुत प्यार से मिला और माताजी ने भी उनको रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने भी माताजी को रिकॉग्नाइज किया, यही है हेवन लेडी। ये कहते हुए मुझे कई बार आंसू आते हैं, क्योंकि इसमें हम समझते हैं एक छोटी सी झलक, कितने कष्ट लिए श्री अरविंद और श्रीमा ने मानवता के लिए, छोटी छोटी बातों में जो हमें पता भी नहीं। ये आदमी जॉन केली देख सके श्री अरविंद को बैटल फील्ड में, पर कितने हजारों लोग थे जो देख नहीं पाते थे, पर श्री अरविंद उनके द्वारा उनको मदद करके, श्रीमा उनको मदद करके, कितने डेंजर से प्रोटेक्ट करके पूरे बैटल की जो स्थिति थी वो बदल दी। और आप तो जानते हैं शायद कैसे श्रीमा ने स्वयं जाके हिटलर के सामने एक मटेरियलाइज किया। हिटलर आप जानते हैं वो एक असुर से इंस्पिरेशन लेते थे, तो एक बार असुर ने जाके हिटलर को जो एडवाइस दी, फिर असुर चला गया और माताजी ने उसी रूप में हिटलर के सामने मटेरियलाइज करके हिटलर को बोला अभी तुम रशिया को अटैक करो। और माताजी कहती है कि हिटलर की रशिया के तरफ बहुत गुस्सा था, तो माताजी ने हिटलर के माथे में वो गुस्सा को भड़काया और उस रूप में आके कहा अभी रशिया को अटैक करो। तो हिटलर ने ऑर्डर दी रशिया को अटैक करो। उनके सब जनरल्स ने कहा ये क्या पागलपन है। और उसी के बाद थोड़े समय बाद वो असुर वापस आया, हिटलर को बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, वो जो आए थे वो सच्चा नहीं असुर है, वो झूठा था, मैं सच्चा हूँ। हिटलर ने बोला नहीं तुम झूठे हो करके हिटलर ने रशिया को जो अटैक शुरू की, उसके बाद पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डायरेक्शन बदल गई। वो ट्रूप्स तैयार नहीं थे ठंडक रशिया के, और माताजी ने फिर वो वेदर बदली रशिया की, इतनी ठंडक लाई कि वैसे विंटर कभी रशिया में आया नहीं था, जल्दी आया और देर से गया, और जर्मन टैंक्स वहीं चिकने में अटक गए, उनके जो ड्रेसेस थे उसके बटन्स टूटने लगे क्योंकि वो प्लास्टिक रशियन विंटर को सह नहीं पाया, और वहीं बहुत सारे ट्रूप्स उनके अटक गए और पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डायरेक्शन बदल गई। तो अब देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटी छोटी बात, बड़े बड़े बात भी हैं जहाँ उन्होंने इतना सब कुछ किया, और यदि वो हमें नहीं कहते तो हमें पता भी नहीं चलता। हमें कितना कृतज्ञ होना है उनके तरफ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। मैंने कल रिलिक्स के इंस्टॉलेशन के समय एक कहानी कही थी, दो कहानियाँ, वो मैं यहाँ भी कहूँगा। कैसे दिलीप कुमार रॉय श्री अरविंद के पास जब लेटर लिखते थे, उनको बहुत डिप्रेशन होता था, और श्री अरविंद ने कई बार उनको अपने बेटे जैसे समान बोल के उनको शांति देने का प्रयास किया। और एक लेटर है, एक पत्र जिसमें श्री अरविंद ने कहा हम शरीर में मिलने के बहुत बरसों पहले हम तुम्हें जानते थे और तुम्हारी प्रोग्रेस फॉलो करते थे। यानी आप समझो उनकी चेतना जो है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, जो भी धरती पे लोग हैं सबको जानते हैं चेतना के द्वारा, नाम से नहीं, रूप से नहीं, चेतना से। और वहाँ वो जानते थे अरे ये पर्सन हम जानते हैं। और उन्होंने ये भी कहा बहुत जीवन में तुम हमारे साथ थे पिछले जीवनों में, तो ये है वो पर्सन, वो जानते थे चेतना में और उनकी प्रोग्रेस फॉलो कर रहे थे। यानी जैसे दिलीप कुमार रॉय के अंदर बदल हो रहे हैं, जिसकी उसकी चेतना जग रही है, शेरविंद को पता था, श्रीमा को पता था,
और उसी तरह से वो इंटरवीन करते थे उसके आध्यात्मिक जीवन में सपोर्ट देने के लिए। मैं ये क्यों आपको कह रहा हूं, क्योंकि आज भी वह स्थिति वैसे ही है। आज भी माँ और श्री अरविंद के चेतना में पूरी जग है और हम सब हैं उनके चेतना में, उनके हृदय में। और जैसे वो दिलीप कुमार रॉय के प्रोग्रेस फॉलो करते थे और हेल्प कर रहे थे, वैसे ही आज भी हमारी प्रोग्रेस फॉलो कर रहे हैं और हमें मदद देते हैं अंदर से। हमें यहाँ इन आंखों से दिखता नहीं, यहाँ बाहरी चेतना में हमने समझता नहीं, हम जानते नहीं। जॉन केली जैसे हम उनका चित्र देख नहीं पाते, पर वे हमें जानते हैं और उनके तरफ से वो हेल्प आती है। और आप कभी भी पुकारें, ये पुकार सुनते हैं। आश्रम में एक साधक ने हमें ये कहा था, ये कहानी सुनाई थी। वो छोटे थे उन दिनों, उनको कहा गया था, माताजी ने कई बार कहा था कि आप जब भी पुकारो, आप प्रार्थना करो, मैं सुनती हूँ और मैं तुरंत आपको रिस्पांस देती हूँ। और ये लड़का था छोटा, लंबी क्यू थी माताजी को दर्शन करने के लिए। इसने सोचा माताजी कैसे सुनेंगे, इतने लोगों को मिल रही हैं, इतने बिजी हैं और मैं कौन हूँ, मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ यहाँ आश्रम में, वो कैसे सुनेंगे मेरी पुकार, मेरी प्रार्थना। तो लाइन लंबी थी, वो लाइन के अंत में थे। उन्होंने सोचा दिखे मैं टेस्ट करता हूँ माताजी को। आँख बंद करके उन्होंने प्रार्थना की, माताजी यदि आप मेरी प्रार्थना सुन सकते हो तो मुझे दिखाओ, क्योंकि मुझे लगता नहीं आप सुन पाएंगे। ठीक है, आँख खोला उन्होंने तो देखा कि पूरी लाइन रुक गई है और माताजी जिनके सामने प्रणाम कर रहे थे लोग, उनको आशीर्वाद देने के बदले उन्होंने लाइन रुक के तुरंत इस लड़के के तरफ देख रही है, आँख स्ट्रेट उसके तरफ, और वैसे ही रही जब तक ये लड़के ने आँख खोला, देखा, फिर भी माताजी देखते रही जब तक ये लड़का समझा कि हाँ वो देख रही है, और फिर वापस जो सामने थी उनको आशीर्वाद देना कि वो कंटिन्यू हुई। ये लड़का जब सामने आया फिर उन्होंने आशीर्वाद दी बहुत सुंदर से स्माइल देके, और अंदर में ही लड़का समझ गया और कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे ही प्लेग्राउंड में कई बच्चे होते थे, सबको माताजी ग्राउंडनेट देती थी। आप सोचो ग्राउंडनेट देने की क्या ज़रूरत, वो बॉक्स रख सकते हैं सब लोग, कोई अपने आप ले सकते हैं ना। माताजी क्यों करती थी, क्योंकि बच्चे आशीर्वाद लेने के लिए भी तैयार नहीं होंगे शायद, पर ग्राउंडनेट लेने के तैयार है ना, तो ग्राउंडनेट के द्वारा वो आशीर्वाद देती थी। तो एक बच्चा था, माताजी के पास गया ग्राउंडनेट लिए, खाने के बाद उसको लगा और भी मुझे चाहिए, लाइन तो लंबी है, माताजी सबको दे रही है, माताजी समझेगी नहीं। वो वापस लाइन ज्वाइन करके वापस गए, माताजी के सामने हाथ जोड़ ऐसे किया, माताजी ने फिर से ग्राउंडनेट दिया, वो चला गया। अरे माताजी को समझा भी नहीं, मैंने दो बार लिया है। अगले दिन वो जब लाइन में गया माताजी के पास ग्राउंडनेट लेने, पहली बार में ही माताजी ने उसको दो बार ग्राउंडनेट दे दिया। ये उनका तरीका था दिखाने को कि मैं समझी, पर इसमें कुछ शर्म आने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा चाहिए मैं ज़्यादा दूंगी, छुपने की ज़रूरत नहीं इसमें। तो माताजी का भी ये तरीका था बच्चों के साथ स्पेशली, कि उनको कभी छुपाने का मन ना हो, कि वो बच्चों के तरफ पूरी खुले हृदय से उनको मिले, ताकि उनकी चेतना उनके अंदर घुस के उनको उनके अंदर काम कर सके, यही चाहती थी। उन्होंने बोला आप एक एंजल बन के आना मत, आप बच्चे के जैसे आना, मेरे लिए काम करना आसान है। आप एंजल बन के आते हैं तब आप एक फॉल्स फ्रंट बनाते हैं एंजल बनने के लिए, पर मुझे उसके पीछे अंदर जाके फिर काम करना पड़ता है। आप खोल हृदय खोल के आए तो मुझे आसान है काम करने के लिए। तो वे चाहती थी कि कभी बच्चों के अंदर वो डर ना आए और कभी भी उनको छुपाना ना पड़े। तो वैसे एक साधक थे, उन्होंने हमें ये कहा कि मद्रास में एक बार फुटबॉल मैच होने वाली थी और सब बच्चे जाने वाले जाना चाहते थे, तो कई बच्चे गए माताजी के पास
माता जी हम जा सकते हैं क्या? माता जी ने हाँ बोला। फिर ये लड़का गया, अरे उनको हाँ बोला है, माता जी मैं जा सकता हूँ क्या? माता जी ने नहीं बोला। तो इसको बुरा लगा, अरे माता जी आपने तो वो लोगों को हाँ बोला, मुझे क्यों नहीं कहा? तो माता जी ने उसको बोला बहुत प्यार से, वो जब पूछने को आए ना, उन्होंने टिकट खरीद लिया था ऑलरेडी। माता जी देख सकती थी उनके मन में क्या है, उन्होंने टिकट खरीद लिया था, उसके बाद माता जी को पूछने आए। तो माता जी नहीं कहती तो उनको इतना बुरा लगता और अगली बार वो पूछते भी नहीं शायद, है ना? पर ये लड़का जिसने पूछा, सचमुच पूछा, उसने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे यही सुनना है, सचमुच जिसने पूछा उसने, माता जी ने कहा नहीं, और उन्होंने एक्सप्लेन किया। माता जी ने कहा, ये लिखा है उन्होंने, मैं बच्चों के ऊपर जो काम करती हूँ एक बरस, वो जब बाहर जाते हैं हॉलीडेज के लिए, पेरेंट्स के साथ रहने के लिए, एक महीने के लिए बाहर जाते हैं हॉलीडे के समय, पूरे बरस का मैंने जो काम किया है वो पूरा धो डाल जाता है, पूरा वेस्ट होता है, और फिर मुझे फिर से तुरंत शुरू करना पड़ता है वही काम। जब उन्होंने ये कहा तब साधक ने माता जी को पूछा, पर माता जी आप क्यों फिर से शुरू करते हैं? माता जी ने कहा, तुम्हें पता नहीं मेरी पेशेंस कितनी है। यही पेशेंस से उन्होंने पूरी मानवता के ऊपर काम किया है, और हम साधकों ऊपर काम किया है और अभी भी करती है। और इस कहानी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपके अंदर कुछ भी हो, और हमारे सबके अंदर गंदगी होती है क्योंकि हम उसी से निकले हैं, मल से निकले हैं ना। पद्म कहाँ से निकलता है? मल से ही निकलता है। वही मिट्टी से हम बने हैं, हमारे अंदर बहुत गंदगी है, सब मिट्टी गंदगी है, जो भी धरती में गंदगी हो वो हमारे अंदर है। पर यदि हम उसके कारण छुपाते हैं माता जी से, तो वही हमारे अंदर छुपा हुआ रहेगा। पर यदि हम खुले हृदय से माता जी के सामने जा सकते हैं, तो माता जी वो मिट्टी को धीरे धीरे पवित्र कर सकती है। कभी डरना नहीं, कितना भी बुरा काम हो, कितना भी आपको शेम लगे, कभी छुपाना नहीं माता जी से। माता जी को पूरे हृदय से खोलना, खोल के कहना, माता जी मैंने ऐसे ये क्या है, अभी आप मुझे मदद करो, मैं आपको समर्पण करता हूँ ये पूरी गंदगी मेरे हृदय की। एक बार प्रणवदा ने हमें कहा, उन्होंने देखा कि माता जी बाहर रूम के बाहर टट्टी गिरी थी कौवे की, वो हाथ से क्लीन कर रही थी। तो प्रणवदा ने कहा, माता जी ऐसे मत करना, मैं करूँगा। माता जी ने कहा, कुछ नहीं, इससे भी जास्ती गंदगी मैं लोगों के अंदर की क्लीन करती हूँ, इसमें क्या है। तो आप डरना नहीं, एक साधक थे, उन्होंने हमें ये कहा। एक दिन उन्होंने ऐसे कुछ तो बुरी बात की थी, जो भी हो बुरी बात की थी, और उनको बहुत रिग्रेट हुआ, शेम लगा। उन्होंने बोला, माता जी के पास मैं जाने से माता जी तो देख लेगी, अभी मैं क्या करूं, मेरा टाइम है इंटरव्यू का, माता जी के पास जाने का क्या करूं। तो उसने बैठ के ध्यान किया कि जो भी गंदगी है मेरे अंदर से छुपा दो, मेरी जो भी अच्छी बात है वो सामने लाओ। ऐसे ध्यान किया उन्होंने, कंसंट्रेशन करके एकदम स्माइल करके, सुंदरता सब सामने ला के, एक एंजल के जैसे बन के, गंदगी अच्छी छुपा दी है और अपने माइंड से भी निकाल दिया है उसकी मेमोरी। कितना प्रयास किया उसने, उतने ही प्रयास साधन में कर दे तो अच्छा होता, पर इतना प्रयास करके छुपा के पूरा सौंदर्य सामने लाके माताजी के पास गया, और माताजी ने बहुत प्यार से उसे मिला, आशीर्वाद दिया और भेजा। घर आके इसने बोला, अरे वाह माताजी देख नहीं पाई, इतना अच्छा लगा। दूसरे दिन वही, तीसरे दिन वही, चौथे दिन वही, छुपा के माताजी के पास जा रहा है। एक सप्ताह के बाद उसको पश्चाताप होने लगा, कुछ तो जल रहा है अंदर में, मैं माताजी से छुपा नहीं सकता, अभी बहुत हो गया। तो माताजी के पास गया आधे रोते हुए, माताजी मुझे क्षमा करना, मैंने ये बोलने के पहले माताजी कहती है, अरे हाँ मैं जानती हूँ, वो पहले दिन तुम आए थे ना, वो तुम्हारे माथे के पीछे से ऐसे छुप के देख रहा था मेरे तरफ, मैं समझ गई।
आप समझो कितने प्यार से माताजी उसको देखती है। वो समझ गई है कि ये छुपाने ट्राई कर रहा है, और उसने वैसे ही प्यार से उसे मिली, और उसको बोलने की भी जरूरत नहीं थी, माताजी ने तुरंत उसको दिखा दिया। और एक यूरोपियन लेडी थी, वो माताजी को हर रोज लेटर लिखती थी। लेटर आते ही, हाथ में आते ही, माताजी दूसरा सब काम रुक के तुरंत माताजी ने आंसर लिख के एक लड़के को बुला के बोला, अभी तुरंत जाके उसके हाथ में देना। तो ये लड़का दौड़ते दौड़ते गया उसके, वो लेडी के पास गया, माताजी ने आपको रिप्लाई दिया है अर्जेंटली। तो लेडी ने बोला, हाँ ठीक है, माताजी ने रिप्लाई दिया है, वहाँ टेबल पे रखो, मैं बाद में देखूंगी। नहीं नहीं, माताजी ने बोला है तुरंत तुम्हारे हाथ में ही देने को। हाँ ठीक है, रख दो वहां, मैं बाद में देखूंगी। पहले दिन वैसे हुआ, दूसरे दिन वही हुआ, माताजी ने सब काम रोक के रिप्लाई भेजा, हाँ वहां रखो, वहां रखो। बहुत सप्ताहों के बाद ये आदमी जो हर रोज इतने जल्दी में ले जाता था, क्योंकि माताजी ने बोला अभी तुरंत हाथ में दो, उसने थोड़ा साहस लेके माताजी को कहा, माताजी आप इतने कष्ट लेके लिखती है और मुझे इतने दौड़ते हुए भेजती है, पर वो लेडी तो वैल्यू नहीं करती, वो तो बोलती है टेबल पे रखो। और माताजी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, जिस दिन वो वैल्यू करने लगेगी उस दिन मैं रुकूंगी यह लिखना। आप समझे, माताजी उसे जगाना चाहती थी, और धीरे धीरे जगाने के लिए ये हर समय वो एक अपने फोर्स, अपनी शक्ति डालती थी। एक बार वो जग गए तब ये सब जरूरत नहीं है, है ना। तो हर पर्सन की जो वीकनेस थी, स्ट्रेंथ थी, माताजी पूरी तरह से जानती थी, और उसके अनुसार उनको जो चाहिए, जो देना है वो देती थी। अभी कई बार ऐसे हुआ कि लोगों ने माताजी को कंप्लेन किया, माताजी आप मुझे जब मिली तब आप मुझे गुस्सा से देख रही थी, पर वो पर्सन को जब मिली तब आपने 15 मिनट दिया, 10 फूल दिए, मुझे खाली एक फूल मिला, एक मिनट में आपने मुझे गुस्सा कैसे देखा, ये क्यों ऐसे। श्री अरविंद को कई बार कंप्लेंट जाते थे, तो श्री अरविंद को उनको एक्सप्लेन करना पड़ा कि देखो आपके नीड के अनुसार माताजी आपको मिलती है, जिनको ज़्यादा नीड नहीं है उनको जल्दी ही माताजी दे सकती है, जिनको ज़्यादा नीड है, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको माताजी को उतना एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है, एक्स्ट्रा फूल देने पड़ते हैं। तो इसी तरह से माताजी करती थी। एक साधिका थी, उनको बहुत गुस्सा आता था, बहुत टेम्पर था, पर माताजी उनके द्वारा बहुत बड़ा काम कर रही थी, और कई बार उन्होंने माताजी को जोर से बोला, गुस्से से बोला, माताजी मेरी सर्वेंट नहीं आई है, मेरी सर्वेंट नहीं आई तो मैं ये नहीं करूँगी काम। तो माताजी ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए, इसको ऑलवेज दो सर्वेंट रखो, एक नहीं हो तो दूसरी होगी, क्योंकि उसके साथ जो मुझे काम करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब छोटी छोटी बातों से डिस्ट्रैक्शन होना नहीं चाहिए। ऐसे भी हुआ था, आश्रम होने के पहले 1914 जब श्री अरविंद आर्य लिखते थे टाइपराइटर पे डायरेक्टली, तब माताजी ने पांडिचेरी में, उन दिनों हमारी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, डीसी करंट था, एक छोटा जनरेटर था जहाँ वो ओल्ड लाइट हाउस है, और कभी कभी वो लोग करंट कट करते थे रात को, और श्री अरविंद यदि उस समय लिखते थे तो करंट नहीं हो तो बहुत कष्ट होता था। तो जब श्री अरविंद आर्य लिखते थे, माताजी ने स्वयं जाके वो जो अटेंडेंट थी वहाँ जनरेटर के लिए, उनके हाथ में पैसे दिए और उनको बोला प्लीज़ रात को करंट मत कट करना। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों में माताजी को हर एक पर्सन की नीड, क्योंकि काम जो करना था वो बहुत बड़ा था, छोटी बातों से वो अटकना नहीं चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये एग्जाम्पल मैंने दिया, कैसे छुपाने से माताजी को तो दिखता है, कैसे दिखता है, क्योंकि माताजी वही शक्ति है जिस शक्ति से पूरी सृष्टि बनी हुई है। तो वो शक्ति कहाँ है, सृष्टि के बाहर भी है, सृष्टि के अंदर भी है ना। तो हर जीव के अंदर जो शक्ति है वो उन्हीं की शक्ति है। आपने जो
वंदे मातरम आप जानते हैं ना, श्री अरविंद ने कहा यह बहुत बड़ा मंत्र दिया गया है भारत के उत्थान के लिए। उसमें लिखा है बाहुते तुमी माँ शक्ति, हृदय तुमी माँ भक्ति, तुम ही प्राण शरीरे, है ना, तुम ही विद्या। क्योंकि भगवान की शक्ति है जो हमारी शक्ति है, और वो शक्ति ही स्वयं श्री माँ है। आप यदि उस तरह से देखें तो आपके हृदय में क्या होता है किसको पता? उन्हीं को पता है। आपको जो पता नहीं वो उनको पता है। आपके माथे में जो है, आपके विचार में जो है, उनको पता है, आपको नहीं पता तो भी। देखिए आप रात को कितने बार स्वप्न करते हैं, उठने पर स्वप्न भूल गए। पर जिसने स्वप्न की, जो स्वप्न की शक्ति है उसको तो सब पता है ना। तो माता जी की जो यूनिवर्सल चेतना है उसमें उनको सब पता है। इंडिविजुअल चेतना जो है उसमें वो सामने लाती है जो जरूरत है काम के लिए। उसके अलावा सब कुछ है, पर काम के लिए जरूरत उतना ही लाती है। उन्होंने कई बार कहा कि देखिए मैं जब आपके साथ इंटरेक्ट करती हूँ, यदि मैं सब कुछ सामने लाए तो आपको बहुत कष्ट होगा। तो आप यदि मुझे झूठ बोलते हैं तो मैं जानती हूँ झूठ हो तो भी मुझे आपके साथ ऐसे बिहेव करना होता है जैसे मैं जानती नहीं, क्योंकि आपको पता चला कि मैं जानती हूँ तो आपके अंदर वो भय आएगा, आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से वो पीछे रखती है और सामने जो ज़रूरत है उतना ही करती है। तो एक इंसिडेंट है ऐसे, कोई पांडिचेरी में आए आश्रम में, एक आदमी आर्मी ड्रेस में, आर्मी यूनिफॉर्म में, कि मैं बहुत बड़े आर्मी के सीनियर कर्नल या ऐसे कुछ हों, तो सब बच्चे बहुत एक्साइटमेंट से उसको मिले। वो माताजी के पास ले गए और उसने जब माताजी को प्रणाम किया, माताजी ने बहुत प्यार से उन्हें मिले, बहुत आदर सत्कार दिया उन्होंने। और फिर पांडिचेरी से बाहर गए तब गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट किया कि वो झूठे थे, इम्पर्सनेशन था, वो आर्मी के नहीं थे। तो माताजी को ये पूछा गया आपको पता नहीं था क्या? माताजी ने कहा मैं क्या करूँ, पहली बार जो मेरे साथ सामने आए उनकी आत्मा रोते हुए मेरे पांव पड़ी, क्योंकि इतना झूठा आदमी था, बाहर की पर्सनैलिटी इतनी झूठी थी, अंदर में आत्मा रो रही थी। और मैंने जो उसको प्यार दिया वो आत्मा को दिया, शरीर को नहीं दिया। और उसको प्रयास करने को हेल्प कर किया वो झूठ से छूटने को। उसका प्रभाव देखो, वो पंडित जी से बाहर जाते हैं उसको अरेस्ट होके वो झूठ निकाल दिया गया है ना। तो ऐसे मेरा कहना इसमें है कि हमारे अंदर जो भी है माता जी जानती है, पर जानते हुए भी उनको ऐसे बिहेव करना पड़ता है कि नहीं जानती, क्योंकि नहीं तो हमारे अंदर वो बैरियर आएगी, हम बैरियर खड़े करेंगे। तो यदि हम शुरू से ही बिना बैरियर बच्चे जैसे उनके सामने गए तो उनको छुपाना नहीं पड़ता, जो चाहे वैसे कह सकती है और दे सकती है, हृदय में, विचारों में, शरीर में भी। और शरीर में जब उनकी शक्ति घुसती है, आपके अंदर कुछ भी डिफिकल्टी हो वो हील कर सकती है। एक इंसिडेंट याद आता है, जब एक आश्रम के डिवोटी थे, उनको मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ पाँव में, थाई बोन, पाँव, नीज, सब कुछ टूटा था एक एक्सीडेंट में। तो उनको मद्रास जाना पड़ा, हार्ड प्लास्टर लगाया। फिर माताजी के पास जब आए तब माताजी ने कहा आप जब तक यहाँ हैं हर रोज़ टेनिस ग्राउंड में लाना व्हीलचेयर पे, और मैं जब टेनिस खेलती हूँ वो भी टेनिस ग्राउंड के अराउंड उसको व्हीलचेयर पे सर्कल में लेते जाना क्लॉकवाइज। तो ऐसे क्या एक सप्ताह हुआ, हर रोज़ माताजी टेनिस खेल रही है, इनको व्हीलचेयर में घुमा रहे हैं। वापस गए मद्रास में हार्ड प्लास्टर बदलने के लिए, डॉक्टर ने जब खोला उन्होंने कहा ये असंभव है, आपके अंदर इतनी हीलिंग हुई है जो 6 महीने में होनी चाहिए वो 1 सप्ताह में हो गई, कैसे पॉसिबल है, आपने क्या किया? नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, आपने बोला वैसे ही मैंने मेडिसिन लिए, प्लास्टर में ही था। नहीं ये हो नहीं सकता, असंभव है, आपने कुछ तो क्या होगा, हमें कहो क्या किया आपने।
तो उसने बोला मैंने तो कुछ नहीं किया, पर पांडिचेरी में श्रीमा है ना, उन्होंने शायद किया होगा कुछ। तो ये डॉक्टर बहुत मूव्ड हो गए और अगली बार जो उनको चांस मिला वो आके माताजी से मिले, ये कौन है श्रीमान जिन्होंने इतनी इनको क्योर किया। ऐसे वही कई स्टोरीज हैं लोगों को जो उनको शुरू में विश्वास नहीं था पर माताजी को मिलके या कुछ ऐसे घटना के कारण विश्वास हुआ। ऐसे हमारे मेरे एक मित्र हैं जो उस समय नेवी में थे, सबमरीन में, बाद में वो सबमरीन कैप्टन बने। उन दिनों उनकी सबमरीन मद्रास में आई थी और उनको एक दिन की लीव दी गई। तो वो लोग पूछने लगे, एडवेंचरस लोग हैं, नेवी के यौवन हैं, कहाँ जाए, क्या है करने के लिए। तो किसी ने बोला चलो पांडिचेरी जाते हैं, वो फ्रेंच कॉलोनी थी तो वहाँ कुछ दारू मिलेगा। पांडिचेरी गए मोटरसाइकिल पे, वहाँ के पूछा क्या है यहाँ देखने को। अरे वहाँ श्री अरविंद आश्रम है। ठीक है, आश्रम में घुसे और क्या है, दारू के अलावा क्या है। तो हाँ श्रीमा होती है, उनको मिल सकते हैं आप। अच्छा ये कौन है श्रीमा, चलो देखते हैं। तो आए पंडित जी के पास, मुझे श्रीमा से मिलना है। पंडित जी ने बोला ठहरो। तो गए ऊपर, माता जी को पूछा, ऐसे ऐसे नाम बोला उन्होंने, नेवी से हैं। वापस आए, उन्होंने बोला माता जी ने आपको कल 10 बजे अपॉइंटमेंट दी है। अरे ये नेवी के आदमी ने बोला मैं कैसे रह सकता हूँ, मुझे तो ऑर्डर दी गई है, 1 डे लीव है, मुझे आज ही वापस जाना है शाम को, मैं तो कल तक ठहर नहीं सकता। पर पंडित जी जानते थे क्योंकि उन्होंने हर रोज़ ये देखते थे इस तरह के चीज़। पंडित जी ने बोला पर माता जी ने आपको अपॉइंटमेंट दी है तो आपकी सबमरीन ठहरेगी आपके लिए, कुछ वरी नहीं करना। पर इनका तो मिलिट्री डिसिप्लिन होता है, वो रिस्क नहीं ले सकते। उन्होंने बोला चलो हमें जाना पड़ेगा, चले गए वापस। वापस जाके देखा चेन्नई में उनको ऑर्डर आया है कि कोई बड़े VIP का देहांत हुआ है इसलिए उनकी सबमरीन वहीं रहेगी, क्योंकि उनको रहना पड़ेगा गन सल्यूट करने के लिए। तो मैंने सोचा ये कौन है श्रीमा जिन्होंने मेरी सबमरीन को रुकवाया। तो अगली बार जो चांस मिला वो आए माताजी से मिले। उसके बाद हर साल वो आते थे पांडिचेरी को आश्रम में, कई बार उन्होंने लेक्चर दिए थे। ऐसे 1972 के वॉर में भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं, शायद हमें टाइम नहीं ये सब आपको कहने के लिए, कितना टाइम है पता नहीं, पर अच्छा और 10 मिनट्स हैं, ठीक है। तो आपके प्रश्न के लिए शायद जास्ती टाइम नहीं होगा, पर मैं आपको 2 इंसिडेंट्स कहूँगा, ये प्रिंट में कभी आया नहीं है। हमारे एक मित्र थे जो आर्मी में थे और माता जी के डिवोटी थे, और बांग्लादेश वॉर जब हुआ तब उनके द्वारा माताजी के साथ कंटिन्यूस कम्युनिकेशन था। हमारे आर्मी चीफ उस समय उनके द्वारा कम्युनिकेशन करते थे माताजी के साथ। तो 2 घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक थी कि माताजी ने उस समय इंदिरा गांधी को बोला था जितना जल्दी हो सके तुरंत जाके बांग्लादेश को फ्री करो। इंदिरा गांधी ने इमीडिएटली आर्मी चीफ को बुलाया और कहा आप कितने जल्दी कर सकते हैं। उन्होंने बोला हमें 4 महीने चाहिए, और आप जानते हैं क्या हुआ। उस समय माताजी ने कहा था पूरी आर्मी अंदर लेना नहीं, ये आर्मी चीफ को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे आर्मी चीफ को, टॉप लेवल के जनरल्स थे, बहुत प्रॉब्लम्स थे, और ये पर्सन जो इन बिटवीन गो बिटवीन थे उन्होंने माताजी के ब्लेसिंग्स लेके आर्मी चीफ के हाथ में दिए और टॉप जनरल्स के हाथ में दिए, और उन्होंने सब ने कहा जब से वो ब्लेसिंग हाथ में आए सब प्रॉब्लम्स पिघल गए और सब कुछ आगे जाने लगा। और फिर उनके द्वारा वो कम्युनिकेशन चल रहा था और माताजी ने कहा आर्मी को डायरेक्टली लेना नहीं बांग्लादेश को, आप जाके स्ट्रेट ढाका के ऊपर आक्रमण करके कंट्रोल लो। इसके कारण जो लाखों लोग मरते नॉर्मल वॉर में वो अवॉइड हो गया। ये लोग डायरेक्टली ढाका गए, ढाका की कब्जे करने के बाद पूरी आर्मी ने सरेंडर कर लिया और वॉर खत्म हो गया, ये माताजी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार। उस समय ये जो मेरे मित्र थे आर्मी में वो कम्युनिकेशंस में थे, उनको एक कम्युनिकेशन आई कि पाकिस्तान की सबमरीन विशाखापट्टनम के पोर्ट में आई है और वहाँ से बाहर से यदि एक शिप निकल रही है और वो सबमरीन उसको मारती है, शिप वहीं अटक गई
तो पूरे पोर्ट में जो भी शिप है सब अटक जाएंगे। तो इन्होंने तुरंत आर्मी नेवी सब जगह मैसेज भेजा कि ऐसे ऐसे हमें इंटेलिजेंस आई है, आप प्लीज़ कुछ तो करो। वो लोगों ने बोला नहीं, हमने सब जगह सोनार लगाया है, कहीं शिप नहीं है, ये असंभव है, हम अपना काम कंटिन्यू करेंगे। तो फिर इनका कुछ नहीं हो रहा है, उन्होंने माताजी को मैसेज भेजा कि ऐसे ऐसे शिप का प्रॉब्लम है, ये सबमरीन का प्रॉब्लम है, हमारी इंटेलिजेंस आई है, पर कोई मुझे बिलीव नहीं कर रहा है, माताजी आप कुछ तो करो। माताजी को वो मैसेज आई, उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया। दो दिन बाद विशाखपट्टनम पोर्ट के बाहर उनको डिब्री मिली। डिब्री यानी टूटी हुई सबमरीन के सब पीसेस फ्लोट कर रहे हैं। फिर उन्होंने जाके इन्वेस्टिगेट किया, वही पोर्ट के सामने सबमरीन बैठी थी, सबमरीन के अंदर एक्सप्लोजन होके वहीं सिंक हो गई। कैसे पता नहीं, आज तक किसी को पता नहीं। आज भी विशाखपट्टनम में वो सबमरीन का वो चित्र रखते हैं और वो पीसेस रखते हैं, पर अब तक किसी को पता नहीं कैसे वो सबमरीन में एक्सप्लोजन हुआ। भारत की जो उस समय आक्रमण हुए थे, माताजी ने वो मैप दिखाई आश्रम के लोगों को और उन्होंने बोला देखो वो जो यूनाइटेड मैप ऑफ इंडिया है, एक साइड को आप देखेंगे ईस्ट साइड को लक्ष्मी का एलिफेंट है, वेस्ट साइड को दुर्गा का लायन है, जब ये दो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंडिया को कुछ नहीं हो सकता। माताजी ने ऐसा कहा था। आप देखो चित्र, वो जो ईस्ट साइड को ऐसे नीचे बर्मा तक वो लाइन है, वो एलिफेंट की सूंड ट्रंक जैसे दिखता है, दूसरी साइड को पाकिस्तान गुजरात वो जो लाइन है वो ऐसे खुले मुख लायन की दिखती है, और माताजी ने स्वयं प्लेग्राउंड में वो लाइन किया था और उसके ऊपर प्रोटेक्शन की फोर्स डाली थी। मैं एक लास्ट कहानी आपको सुनाऊंगा जिससे आपको बहुत शांति मिलेगी। और आश्रम में एक साधक थे, उनका देहांत हुआ और माताजी ने डिस्क्राइब किया कैसे उनकी आत्मा उनके पास कैसे आई। उनकी एक फैमिली मेंबर आई मिलने को और जिनका देहांत हुआ उनकी आत्मा एक बच्चे के रूप में हाथ पकड़ के फैमिली मेंबर के साथ आए, और माताजी ने कहा देखो आत्मा को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो अपने फैमिली मेंबर के साथ आए। और माताजी ने फैमिली मेंबर को जो पीस दी, उसी समय आत्मा के साथ भी उनकी वार्तालाप हुई। मैं कहना था ना कि माताजी सूक्ष्म देह में बहुत कुछ काम करती हैं एक साथ, उसका एक एग्जांपल। पर थोड़े बरस के बाद माताजी ने उनको कहा, वो फैमिलीज को, अभी उसने जन्म लिया है, यहाँ नहीं दूसरे कहीं दूर है। कई महीनों के बाद माताजी ने वो फैमिली मेंबर्स को कहा, अभी वो मेरे ऑरा में घुसे हैं। अभी आप सोचो माताजी की ऑरा यानी एटलीस्ट 10 किलोमीटर शारीरिक ऑरा, पूरी पांडिचेरी उसमें है। पांडिचेरी में कितने लोग, 4-5 लाख, 4-5 लाख लोग हैं। माताजी हर एक को जानती है अपने ऑरा के अंदर, और एक बच्चा घुसा है ऑरा में और माताजी ने रिकॉग्नाइज किया, अरे वही है। और जब वो बच्चे को माताजी के सामने लाया, माताजी ने उसको रिकॉग्नाइज करके फिर नाम दिया। मैं आपको ये कह रहा हूं क्योंकि माताजी के साथ जो हमारा संबंध है वो खाली इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का है। मैंने कल ये भी कहा था कि माताजी ने हम सब बच्चों को कहा था, हम सब बच्चे ने आप भी, कि आप लोग यहाँ हैं क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस दी थी कि जब टाइम आएगा फुलफिलमेंट का तो आपको वो चांस दिया जाएगा। आप लोग भूल गए हैं पर मुझे याद है, ऐसे माताजी ने कहा था। और वो जो संबंध है, माताजी ने कहा, मैं जब किसी को देखती हूँ तब उनके साथ साइकिक लेवल पे मेरा कनेक्शन फॉर्म होता है, और साइकिक यानी शरीर आपका जाएगा, सूक्ष्म देह जाएगा, पर साइकिक यानी आप स्वयं हैं, यानी पूरे आजन्म वो कनेक्शन आपके साथ है और आजन्म उन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। आपने माताजी को देखा या नहीं वो मैटर नहीं करता, उन्होंने आपको देखा तो वो कनेक्शन फॉर्म होती है, समझे ना। तो हम सोए तो भी वो कनेक्शन फॉर्म करेगी।
हम सब यहाँ हैं क्योंकि हमारी आत्मा उनसे जुड़ी हुई है, हमारा संबंध है, दृढ़ संबंध, इस जन्म का नहीं, कई जन्मों के लिए, अनंत जन्मों के लिए। और मैंने ये एग्जाम्पल जो आपको दिया, शरीर छोड़ने के बाद भी माता जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और आपका जब नया जन्म होगा उस समय भी माता जी आपकी देखभाल कर रही है, और वे जानती है आपको, आप नहीं जानते तो भी। आप छोटे बच्चे के रूप में आधे सोए हो तो भी वे आपको जानती है, और उसके साथ उनकी प्रोटेक्शन आपके साथ है, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी इंस्पिरेशन और उनके आशीर्वाद आपके आध्यात्मिक जीवन, आपके प्रोग्रेस के लिए। ये कभी भूलना नहीं। आपको ऐसे दिन आएंगे जब आपको बहुत डिप्रेशन होगा, शायद आपको लगे ये क्या कर रहे हूं मैं, माता जी वहां आप सुनती भी नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं वो सुन नहीं रही, मुझे मदद कैसे करेगी, उनके तो इतने बड़े लोग हैं जिनको उनको देखना पड़ता है, उनकी चेतना में कोई बड़ा छोटा नहीं। मैंने आपको ये सब कहानियां सुनाई हैं, उसके बाद आपको ये समझना चाहिए सब कोई एक जैसे बच्चे हैं उनके। शारीरिक बड़ा छोटा उनके लिए मैटर नहीं करता, चेतना से जुड़े हुए हैं वो मैटर करता है ना। तो आपको पता नहीं चले तो भी उनकी मदद है आपके साथ, आपको फील नहीं हुआ तो भी वो हेल्प आती है। कभी कभी अंधकार में हम डूबे हुए होते हैं, हमें पता नहीं चलता, पर उस समय भी उनकी हेल्प है, और वो उनके हृदय में, उनके बाहों में आपको कैरी कर रही है। तो ये हृदय में विश्वास रखना, बाहरी रूप में आपको डिप्रेशन हो, अंधकार हो तो भी अपने अंदर, अपनी आत्मा में आप जाके आप उनको फील कर सकेंगे, और वहां आपको हेल्प मिलेगी ऑलवेज, वो आपको भूलेगी नहीं, आपने भूले तो भी। आज माता जी जड़ शरीर में नहीं है पर सूक्ष्म देह में है। माता जी ने हमें ये कहा था, श्री अरविंद सटल बॉडी में है, सटल फिजिकल लेवल पे। सटल बॉडी यानी मेंटल वर्ल्ड नहीं, वाइटल वर्ल्ड नहीं, सटल फिजिकल यानी सूक्ष्म जड़, सूक्ष्म अन्नमय, क्योंकि वो स्तर है जो अन्नमय के सबसे पास है, फिजिकल के सबसे पास लेवल है सूक्ष्म का, वो सटल फिजिकल, उस लेवल पे श्री अरविंद है और वहां से काम करते हैं, और श्रीमा भी उसी लेवल पे है, वहीं से काम करती है। इसलिए आज हमने जब यहां प्रार्थना की माता जी को, माता जी स्वयं यहां है, हम इन आंखों से नहीं देख सकते, पर इन आंखों को बंद करके हृदय के आंखों से देखे तो वो है ना। और जब वे है तब आप उन्हें कुछ भी पूछ सकते हैं, अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से खोल के, शरीर की चेतना से भी खोल के उनको कहना, माता जी मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं, आपकी शक्ति मेरे अंदर भरे, आपकी शक्ति मेरे अंदर काम करे और मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुए। एक साधक थे, अपने जन्मदिन पे माता जी के पास गए और उन्होंने तैयार की थी, हर जन्मदिन को माता जी पूछती है तुम क्या चाहते हो, तो वो तैयारी करके आए थे और उन्होंने प्रणाम किया, माता जी ने आशीर्वाद देके बोला, मेरे बेटे तुम्हारा जन्मदिन है, तुम क्या चाहते हो आज। तुरंत ये साधक ने कहा, माता जी मुझे थोड़ा और तेल चाहिए बालों के लिए, प्रोस्पेरिटी में थोड़ा तेल ज्यादा देना मुझे। माता जी ने मुंह दूसरे तरफ करके अटेंडेंट को बोला, देखना उसके तेल के लिए अरेंजमेंट करो। और वो जाने के बाद माता जी ने कहा, मैं उसे सब कुछ देने को तैयार थी। तो किसी ने माता जी को लेटर लिखा था, माता जी हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, माता जी ने बोला एवरीथिंग, सब कुछ। माता जी आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, माता जी ने कहा नथिंग, कुछ नहीं। जब माता जी पूरी तरह से अपने आप को आपको देने को तैयार है, आपसे कुछ नहीं चाहती है,
अब क्या पूछेंगे उनको। श्रीविंद ने लिखा है, जब हम भगवान को पूछते हैं कुछ तो तब भगवान को जरूर हमें देंगे, पर जब हम भगवान को कुछ नहीं पूछते और अपने आप को समर्पण करते हैं तब भगवान हमें पूरी तरह से अपने आप को देते हैं, और उसके साथ जो भी हमें चाहिए, जो भी हमें नेसेसरी है, सब कुछ आ जाता है। और ये साधना का पहला प्रिंसिपल है कि हम कुछ मांगे तो वो मिलेगा जरूर, पर हम यदि अपने आप को दें तो पूरी दैवी शक्ति हमारे अंदर आके भगवान स्वयं अपने आप हमें देंगे और सब कुछ उसके साथ आएगा, पूरी सृष्टि आएगी उसके साथ, है ना, क्योंकि सृष्टि उनका शरीर है। तो ये याद रखना, जो भी बाहर में स्थिति हो, जो भी अंधकार दिखे कभी या ना दिखे, माताजी स्वयं आपके साथ है, उनका अंश आपके साथ स्वयं होता है, एमिनेशन, श्री अरविंद ने कहा उनका एमिनेशन आपके साथ है हर समय हर क्षण, और आप जभी भी पुकारे जभी भी पूछे उनकी हेल्प मदद आपके साथ होगी। पर श्री अरविंद ने कहा जब आप पुकारते हैं तब वो मदद इफेक्टिव होती है, वो तो है ऑलवेज, पर जब पुकारते हैं तब आके एक पैसेज खोलते हैं और उसके द्वारा वो हेल्प आपके अंदर घुस सकती है। बस यही मैं आपसे आज थोड़ी छोटी कहानियां कहने वाला था। श्री अरविंद का समाधि दिन है और श्रीमा श्री अरविंद के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, हमारे जीवन के बारे में, हम क्यों यहाँ पैदा हुए और हमारा उनके साथ क्या संबंध है इसके बारे में, और शायद इन छोटी झलकों के द्वारा बहुत कुछ बड़ी फिलॉसफी आ सकती है जो माइंड को बाईपास करके स्ट्रेट हमारे हृदय में जाती है, और हमारे हृदय कुछ होती है, हमारी आत्मा कुछ होती है। यही याद करके हम थोड़े समय एक मिनट ध्यान कर सकते हैं, अपनी ग्रैटिट्यूड उनके तरफ रख के कृतज्ञता से मन हृदय शरीर पूरी तरह से उनको समर्पण करें एक साथ सब। तीन बार ओ आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे मंत्र करें तीन बार श्री अरविंद की गायत्री। ओम तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत्। ओम तत् सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत्। ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत्। ॐ
आवश्यक सर्विस सोसाइटी ये अनुष्ठान समस्त सभ्य मैंने आपण मान को कृतज्ञता ज्ञापन करती आम ग्रहण से उपस्थित रही मातृमंत्र माँ को आह्वान करी ये नूतन बिल्डिंग दिखाई सब सब सभ्य मान कंट्रब्यूशन माँ को अपार करना फल माँ को सेवा अपहरित करने जो भी उसी के साथ माताजी और श्री अरविंद की चेतना यहाँ एस्टैब्लिश हुई है और उनके चेतना से उनके आशीर्वाद से ये नया बिल्डिंग ओपन रहे और इस माताजी और श्री अरविंद के काम के लिए माताजी और श्री अरविंद की सेवा में और जो भी यहाँ आए उनको माताजी और श्री अरविंद का आशीर्वाद सदा मिले सदा रहे।